हाय गाइस, वेलकम बैक टू नॉस्टैल्जिक स्टोरीज सीजन 4। मेरा नाम है सौम्यदीप मंडल और मैं हूं आपका प्रिय नरेटर। पॉइंट ऑफ व्यू के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, वेलकम बैक टू पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू के हमारे ये छोटे से छोटे एपिसोड्स में हम क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं, ये तो ट्रेलर में पता ही चल गया था। अगर आपको याद नहीं है तो लेट्स एक्सप्लोर इट वंस मोर। ह्यूमन माइंड बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज होती है। इसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है और क्या नहीं, हम हमेशा डिसाइड नहीं कर सकते। इसी माइंड के अंदर एक छोटा सा प्रोसेस होता है, थिंकिंग प्रोसेस, जिसको हम लोग कभी कभी जिंदगी के काफ़ी रश में कहते हैं पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू। इस पॉइंट ऑफ व्यू के चलते ही हम एक इंसान को जज करते हैं। किताबें, ये आज की बात नहीं है, ये आज से कई करोड़ों साल पुराने वक्त से ही हमारे पूर्वजों के पास रहा है, लेकिन इसे हम लोग प्रॉपर किताब नहीं कह सकते। मैं जिस टाइम की बात कर रहा हूँ तभी इंसान के हाथ में पत्थर ही थे सिर्फ। वो अपने बच्चों या फिर फ्यूचर जनरेशंस को अगर कुछ बताना चाहता था कि यहाँ पे खतरा है, हम लोगों ने कैसे शिकार किए हैं, तो वो आइदर केव पेंटिंग्स या फिर क्ले टैबलेट्स का मतलब क्या होता है आपको मैं वापस बता देता हूँ। तो जब इंसान के पास किताब नहीं थे तो वो मिट्टी के बनाए गए स्लेट या फिर छोटे से छोटे हिस्सों के ऊपर खुदाई करके कोई नक्शा या फिर कोई सिंबल छोड़ के जाते थे, जिससे आने वाले फ्यूचर जनरेशंस को भी पता चल जाता था किधर क्या है और क्या नहीं। और इसी का कॉन्सेप्ट आज तक हमारे पास आ चुका है। जी हाँ, ग्यूटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस ये दुनिया के लिए एवोल्यूशन रहा है। इसके बाद क्या हुआ वो तो मुझसे और मत पूछना। प्रिंटिंग के आने के बाद से ही राइटिंग डॉक्यूमेंट्स बहुत कम हो चुके थे। बहुत से राइटर्स अपने बुक को प्रिंट करके सेल करते थे। In the 18th century, 17th century and many more. प्रिंटिंग मीडिया के वजह से ही आज हमारे हाथ में प्रिंटेड बुक्स है, थैंक्स टू ग्यूटेनबर्ग। बट स्टिल, हम जिस किताबों की बात कर रहे हैं उसको हम लोग स्टोरी बुक्स, टेक्स्ट बुक्स और ऐसे काफ़ी रेफरेंस में याद करते हैं। उनमें से सबसे पॉपुलर वन फ्रिक्शन नॉन फ्रिक्शन बुक्स। यस, ये एक ऐसा टाइप है जहाँ पर इंसान अपना वक्त बिताना चाहता था। जी हुजूर, मुझे आज भी याद है 7th स्टैंडर्ड में हिंदी के टेक्स्ट बुक में एक कहानी थी, एक आत्मकथा किताब की, जहाँ पर उसने हमें बहुत ही मज़ेदार तरीक़ों से बताया गया है कि आज के बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी की वजह से कैसे उनका प्रयोग कम हो चुका है। उसमें से एक मुझे सबसे मज़ेदार लगा था। कहाँ जा रहा था कि पहले किताबें गिरने और उठने के बहाने में रिश्ते बनते थे। वैसे ये झूठ नहीं, मैंने बहुत से मूवीज़ में ऐसे देखे। हाँ, वो ज़माने का बात चल रहा है जहाँ पे मैं नहीं था, ठीक है। बट स्टिल, आते हैं हमारे नेक्स्ट कंक्लूशंस में। मांगा और कॉमिक्स का एवोल्यूशन अब हम टीवीज में, एनिमेज वरना कार्टून्स में देखा करते हैं। ये इंडियन, जापनीज एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड ओटाकू कल्चर के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद अगर हम बात करें किसी दूसरे कल्चर्स के बारे में तो कॉमिक्स बुक, ये आज की जनरेशन में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, क्योंकि मांगा और कॉमिक्स के सेलिंग यहाँ पे प्राइम हम किसको पकड़ सकते हैं, व्हाट कैन यू से, मार्वल्स एंड डीसी।
these are the pioneers in comics. These have been originated from USA, जहाँ से इनकी शुरुआत हुई थी. Marvel और DC Universe ये दोनों ही आज इतने ही distinct हो चुके हैं कि Marvel comics से आज वो MCU या फिर हम कह सकते हैं Marvel Cinematic Universe में आ चुका है. और DC का तो बताना ही नहीं पड़ेगा. Superman and Batman, किसी को ये नाम नहीं मालूम है? Just let me know. ये हमारे बचपन में बहुत फेमस कैरेक्टर्स थे जिनको हम खुद कॉमिक में पढ़े थे. आज इनका ही जनरेशन काफ़ी आगे जा चुका है. मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, डीसी कॉमिक्स, सब के सब. इंडिया में भी कॉमिक्स कुछ कम फेमस नहीं है. इंडियन कॉमिक्स में सबसे फेमस था नागराज. लाइक आई रिमेम्बर, बट स्टिल ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट. अभी आगे बढ़ते हैं अगले कंटेस्टेंट की तरफ. ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में अगर बात किया जाए तो किताबें इन सब का स्थान किधर है, कितनी ऊंची है और कितने नीचे है. आज का टेक्नोलॉजी ने हमें ये जरूर सिखा दिया है कि ग्लोबल वार्मिंग और पेड़ की कमी के वजह से हमारे आने वाले फ्यूचर में रिसोर्सेस कम हो सकते हैं, जैसे पेपर्स. तो इसलिए हमारे जनरेशन ने आज से ठान लिया था कि वो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देकर इस चीज़ को रोकने में मदद करेंगे. अगर मैं अपने सोच के हिसाब से आपको किताब इस शब्द का डेफिनेशन बताऊं, तो कह सकते हैं कि एक ऐसा बुक या फिर एक ऐसी बंधी हुई चीज़ जिसके हर एक पन्ने मुझे एक ऐसी दुनिया तक लेके जा सकते हैं जिसको मैं ज़िंदगी में छू नहीं सकता. एक ऐसी दुनिया में लेके जा सकता है जो मतलब इस रियलिटी से बिलोंग ही नहीं करते. किताबें एक ऐसी चीज़ है जो आपको सोचने में मजबूर कर सकती है कि फैंटेसी, एक इमेजिनेशन का पावर कितने दूर तक जा सकता है. एंड आई लव दैट शिट, टू बी ऑनेस्ट. तो आई डू थिंक सो कि किताब के अंदर जो भी स्टोरीज या फिर फ्रिक्शन और फैन फ्रिक्शन और नॉन फ्रिक्शन कुछ भी रहे, सबका अपना एक पोटेंशियल है. अगर हम लोग किताबों को उस हिसाब से देखा जाए तो जैसे द सीक्रेट रिटन बाय रॉन्डा बर्न, मतलब लॉज ऑफ अट्रैक्शन की तो बात इधर हुई भी थी, लेकिन इट टुक अस सो डीप इन दैट बुक कि आई डू फील आई हैव अ फीलिंग फॉर समवन, नॉट गोना लाई. If you are newbie in book reading or disturbs, मैं तो suggest करूँगा कि आप ये book जो कि एक popular television writer ने लिखा था Rhonda Byrne, The Secret, एक बार पढ़ लेना. Human psychology के बारे में इतना detail explanation I don't think so कि कोई लिखा रहेगा. Point of view मेरे इस podcast के अंदर भी आपको वो perspective मैं suggest कर सकता हूँ. एक बार जाके प्लीज रीड कीजिएगा. ये उनकी पहली बुक नहीं है, उन्होंने ऐसे और भी बुक्स लिखे थे. द मैजिक, द पावर, हाउ द सीक्रेट चेंज्ड माय लाइफ, ये सारे के सारे ही वेल रिटन एंड क्रिटिकली एक्लेम्ड बुक्स हैं. सो आई वुड सजेस्ट कि इनके बुक्स प्लीज 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 एक बार जरूर देखिएगा. बाय द वेल, ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट की बात करते करते तो हम बहुत दूर आ चुके हैं. एपिसोड लगभग खत्म होने को आ ही चुका है. आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में तो जरूर बताइएगा. ताकि द बुक्स ये एपिसोड का एक बोनस पार्ट आने वाला है जहाँ पे उटाकू कल्चर से मेरे साथ रहेंगे रौनक सिंह और मांगा की तरफ से रहने वाले हैं प्राजक्ता नायडू. सो ये कोलाब के लिए आप और हम काफी दिनों से वेट कर रहे थे. सो डोंट मिस इट आउट और ये कोलाब मैं जल्द ही लेकर आ रहा हूँ मेरे चैनल पे. तब तक स्टे ट्यून्ड. Second platoon, 3 o'clock, you're on the other hill. Camino, I want artillery on that hill, and I want it now.